लास्ट क्लासेस में डिस्कशन हो रही थी कि यहां पे हमने से 20 लिखा और यहां पे मैंने 25 लिखा, तो अगर मैं 25 को यहां पे अगर पेस्ट करता हूं तो नॉर्मली रिप्लेस कर देता हूं। आपकी आवाज गड़ क्या दिक्कत हो रही है वो साउंड में? क्या सर, मेरी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही क्या सर? आपकी आवाज गड़बड़ा रही है। नो, अभी ठीक आ रही होगी? नहीं, ना ना ना, अभी ठीक आ रही है? हाँ अभी आप बोलेंगे तो पता लगेगा छोटा। हाँ अभी ठीक है, ठीक है बीच में चलिए। बिल्कुल खत्म हो गई थी। ओ नहीं, हो सकता है प्रॉब्लम हो, मैं डाउनलोड कर रहा था। तो जैसे कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि हमारे पास यहाँ पे एक्सेल के अंदर में, कि अगर मैं 25 को इस पे अगर पेस्ट करूँ तो रिप्लेस कर देता है, लेकिन यही अगर मैं राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में अगर मैं ये करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो इन दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती है और दोनों को रिजल्ट जो होता है, रिजल्ट यहाँ पे शो देता है। तो संजय जी, इस चीज को जानना जरूरी है कि आखिर इसका बेनिफिट क्या है। हिमानी जी, आपने कंप्यूटर ऑडियो ठीक है, सिलेक्ट नहीं किया है? नहीं, टेलीफोन पे है आप? कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हैं आप? तो ब्राउजर चेंज कर लीजिए, मोजिला या फिर इस पे आ जाइए, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। आपका ऑडियो सपोर्ट नहीं कर रहा है, टेलीफोन दिख रहा है आपका। और जो लिंक है उस लिंक को कॉपी करके मोजिला या इंटरनेट एक्सप्लोरर रख डाल दीजिए, वहां पे सही दिखेगा आपको, फिर आपकी मेरी आवाज आने लगेगी। तो यहां पे संजय जी, हम सबसे पहले इस बात को जानेंगे कि अगर उससे पहले इसकी एग्जाम्पल को करने से पहले एक छोटा सा परसेंटेज के बारे में एक बार हम जान लें कि अगर मुझे यहां में परसेंटेज लिखना है, तो अगर मैं 20 लिखा या मान लीजिए 20% लिखना है, तो 20 और फिर हमें परसेंट का साइन देना पड़ता है क्या सर? ऐसे करना होता है ना सर? हेलो। नहीं, आपने क्या बोला, दोबारा बोलेंगे आप? मुझे यहाँ पे अगर परसेंटेज लिखना है तो मैं 20 और परसेंटेज साथ में लिखूंगा तो परसेंटेज शो करेगा, बिल्कुल, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 20 लिख के फिर इसके ऊपर परसेंटेज का सिंबल लगाया तो क्या होगा? ये 2000% दिखेगा आपको। ठीक है सर? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम परसेंटेज लगाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय वो 100 कर देता है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि 1 को वो समझता है 100%, 1 इट मींस 100%। तो अगर वो 20% लिखना है, 0.20 लिखना पड़ेगा, फिर इस पे परसेंटेज का सिंबल लेंगे तब जाके 20% आएगा। ठीक है, तो अब दिक्कत क्या है कि हमारे पास एक कलिग थे, वो मुझे क्या करते थे कि कुछ परसेंटेज में कुछ नंबर्स मुझे दिया भेजा करते थे, कुछ फिगर्स भेजा करते थे किसी तरह का, तो वो हमेशा नंबर पे भेजा करते थे और ऊपर में मुझे वो परसेंटेज का सैंपल देते थे। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि मैं 66% डायरेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये 6600% आ जाएगा। हिमानी जी, आपने अपने आप को म्यूट कर रखा है, आपके नाम के आगे एक माइक का सिंबल होगा, उसको अनक्लिक कर लेंगे तो आपको आवाज में सुन पाऊंगा। यस, हाँ, अब मैं सुन हेलो रहा हूँ। सुधीर साहब। तो अभी क्या है कि मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, दो तरीके, खाए तो मैं 0.66 लिखूं पॉइंट्स में लिखूं और फिर इसमें परसेंटेज अप्लाई करूं तो ये आपका 66% आ जाएगा, या फिर मैं हर किसी में डबल क्लिक करूं और इसमें परसेंटेज का सैंपल लगाऊं तो
तो ये परसेंटेज शो करेगा। ठीक है संजय जी? बिल्कुल। पर प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास डेटा ज्यादा है, अभी तो आपके सामने सैंपल डेटा में कुछ कॉलम्स है, लेकिन हो सकता है जब आपके ऑफिशियल लाइफ में ये डेटा हजारों या लाखों में हो तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी सबको परसेंटेज में कन्वर्ट करने। क्यों? अब इसमें दिक्कत ये आती है कि आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हम परसेंटेज में कन्वर्ट क्यों करेंगे कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि 8400 का मुझे 25% निकालना है तो 25 लिख के मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट गलत आएगा। लेकिन अगर मैं 25 परसेंटेज के फॉर्म में लिखूं तो रिजल्ट हमारा सही आएगा। ठीक है? तो इसलिए परसेंटेज पे करना है ताकि इससे रिलेटेड आगे जो कैलकुलेशन है वो सही तरीके से हो। अब यहां पे क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे क्या, इसके लिए हम पेस्ट स्पेशल का यूज करेंगे। मैं यहाँ पे एक किसी एक सेल में 100 लिखूंगा और उस 100 को कॉपी करके पूरे सेल को सिलेक्ट करके पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा और यहाँ ऑपरेशंस में आप देख रहे हैं डिवाइड, मतलब कि मैं हर नंबर जो भी सिलेक्टेड नंबर है उस नंबर को 100 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, 100 से डिवाइड कर दूंगा तो सारे पॉइंट्स बन जाएंगे। देन अप्लाई द सिंबल, सिंबल पे क्लिक कर दूंगा, ये सारे परसेंटेज में होंगे। समझ में आया? दोबारा बताओ। नहीं, आपने, मैं समझ गया आपने। आप बोले संजय जी, बोलिए। बोल में बोल इसको है। हाँ संजय जी, कुछ पूछ रहे थे आप? नहीं नहीं, मैं समझ गया आपने बेसिकली क्या किया कि 100 लिया, उसके बाद आपने पूरा इसको सिलेक्ट किया, पे स्पेशल में गए और उसमें जो ऑपरेटर है वो डिवाइड वाला वो आपने सिलेक्ट कर लिया, एक ही शॉट में सारे के सारे 100 से डिवाइड हो गए। हाँ, ये किया ना? हाँ, मैंने यही किया। और दूसरा चीज इसके मतलब कि एक और यूज हम दे सकते हैं कि मान लीजिए कि मुझे किसी पर्टिकुलर पर्सन के नेम है एंड डे वाइज हमारे पास उसके सेल्स है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 10 दिन की सेल्स है और यहाँ पे कुछ नाम यहाँ लिख देते हैं और मैं रैन बिटवीन फॉर्मूला इस्तेमाल करके रैंडम नंबर्स ले आता हूं। कॉपी एंड यहां पे मैं इसको वैल्यू पेस्ट कर देता हूं। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि ये नंबर्स यहां भी फिगर है लेकिन रिपोर्ट्स मैंने किसी को भेजा तो उन्होंने इसको रिफ्यूज कर दिया, बोला कि मुझे इसकी फिगर से मतलब नहीं है, मुझे इनका टारगेट कितना अचीव हुआ है उससे मतलब। मतलब कि इसका टारगेट 75 था तो मुझे 75 के अकॉर्डिंग परसेंटेज शो करना है। समझ गए? मतलब कि हर किसी नंबर को 75 से, मतलब कि आपको निकालना है कि 86 75 का कितना परसेंटेज होता है, तो मुझे क्या करना होगा, 86 को 75 से डिवाइड करना होगा, जो रिजल्ट आएगा उसमें मुझे उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है तो रिजल्ट आएगा। तो हर नंबर को 75 से डिवाइड करना है, तो मैं 75 को कॉपी करूंगा और पूरे एरिया को सिलेक्ट करके राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल एंड इसको डिवाइड कर दूंगा तो नंबर्स में डेसिमल्स आ जाएंगे और डेसिमल्स पे अगर हम परसेंटेज का सैंपल में क्लिक करते जाके तो परसेंटेज का सैंपल बन जाएगा। आपने पहले 75 को कॉपी किया था ना? हाँ, कॉपी तो करना ही पड़ेगा ना। आपने अगर 75 को कॉपी किया था, फिर आपने डेटा को सिलेक्ट किया या फिर कॉपी किया आपने? नहीं, पहले मैंने क्या किया, दोबारा बताता हूँ। मैंने 75 को कॉपी किया तो एक पर्टिकुलर सेल को कई सारे सेल्स के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, जहां जितने एरिया में पेस्ट करना है तो मैं पेस्ट कर दिया
और हम चाहते हैं कि पेस्ट विद कैलकुलेशंस, कि मैंने पेस्ट क्या करें रिप्लेस ना करे, जो वैल्यू पहले से थी उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस करें। तो यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में आपके पास ऐसा ऑप्शन होता है कि आप कॉपी करके पेस्ट जस्ट रिप्लेस नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हैं कि जहां से कॉपी हुई है और जहां कॉपी हो रही है उसके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, मतलब कि डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट एडिशन, तो यहां से वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये क्या करेगा कि जितने भी सेल सिलेक्टेड है हर सेल को वो 75 से डिवाइड करेगा, क्योंकि मैंने यहां पे डिवाइड को सिलेक्ट किया। सुजीत जी एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलिए संजय जी, क्या पूछा? सुजीत जी मेरा एक क्वेश्चन ये था कि ये जो परसेंटेज साइन है मेन्यू के अंदर, इसको जब हम क्लिक करते हैं तो आपने बता दिया 100 से मल्टीप्लाई कर देता है, क्योंकि वो 100 से मल्टीप्लाई इसलिए करता है कि वो मुझे रीजन समझ नहीं आया कि 100 से क्यों मल्टीप्लाई करता है, कि वो कंसिडर करता है कि सेल में A1 लिखा हुआ है। नहीं नहीं बताता हूँ, होता है क्या है कि दो तरह के वैल्यूज आपके सामने दिखते हैं, एक होता है रीजनेबल एक होता है ओरिजिनल, ठीक है। जैसे कि आपके सामने 0.60 दिख रहा है, ये विजिबल भी 0.6 है और ओरिजिनल भी आपका 0.26 है, ठीक है। लेकिन जब इसे परसेंटेज का सिंबल देते हैं तो यहाँ पे 60% दिख रहा है आपको, तो ये आपका विजिबल 60% है बट ओरिजिनल आपका 0.6 ही है, क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये परसेंटेज में विजिबल कर देता है। आप लोग मान लीजिए परसेंटेज निकालते हैं मैथमेटिकली समझ लीजिए ना, कि मान लीजिए ना आपको परसेंटेज निकालना है कि आपको 100 का 10% निकालना है, ठीक है। तो 100 डिवाइड बाई 10 करते हैं ना और फिर मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, यही करते हैं ना आप, सॉरी डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं होगा डिवाइड होगा, माफ कीजिएगा, कि मान लो 35% निकालना है तो 35 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई नहीं होता इसमें, हाँ मल्टीप्लाई बाई 100, नहीं ठीक है आप ठीक, नहीं नहीं आप ठीक कर रहे हैं, 35% ऑफ एनी नंबर इज 35 इनटू दैट नंबर डिवाइड बाय 100। हाँ, तो कहने का मतलब जो हम मैथमेटिकल्स में जो 100 का मल्टीप्लाई एंड जब लगाते हैं तो डिवाइड का यूज जो करते हैं, जैसे निकालना होगा तो आपको 35 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई अगेन 100, ये जो करते हैं ना 100 का जो इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिकल निकाल फॉर्मूले में, ये 100 का यूज हम एक्सेल में नहीं करते, क्यों? क्योंकि डेसिमल्स होता है, कि अगर मुझे अगर 100 का 60% निकालना है तो हमें जस्ट क्या करना है 0.6 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। नहीं वो क्लियर है, मैं हाँ, मेरा वही आपको मैं वही आपको समझ रहा हूँ कि 0.6 हमें दिख रहा है बट प्रॉब्लम ये है कि हम इसको कैरी नहीं कर पाए 0.6, मींस क्या, तो परसेंटेज का सिंबल लगाने पे पता चलता है दिस इज 60%। तो अंडरस्टैंड करने के लिए विजुअली अंडरस्टैंड करने के लिए हम परसेंटेज का सिंबल अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे वो 60% दिखता है, लेकिन एक्चुअल में जो होता है वो 0.6 ही होता है। तो जो भी नंबर्स, अगर विजुअली क्या करता है कि जो भी नंबर्स होता है उस नंबर्स को जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता है विजुअली में, ओरिजिनल आपका वही रहता है, विजुअल चेंज होता है इसका सिर्फ। ताकि कैलकुलेशन इजीली हो, क्योंकि अगर अगर मान लीजिए कि अगर 100 को अगर हम 60% से डिवाइड करेंगे तो कैजुअली क्या होना चाहिए, 6000 होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ 60 आएगा, क्यों? क्योंकि ये दिख रहा है 60% बट एक्चुअली में परसेंट सिंबल लगने का मतलब है कि इसके अंदर जो डेटा स्टोर हुआ है वो हुआ है 0.6, जब इसको आप नॉर्मल जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल जो अप्लाई करते हैं तो विजुअली जो है सबको चेंज कर देता है मल्टीप्लाई करके 100, ताकि एक परसेंटेज दिखे कि 45% है, क्योंकि 45% के जगह पे अगर हम 0.45 लिखे तो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे कि यार 40% है क्या, फिर कैलकुलेशन। एक बात बताओ, अगर
सुजी जी एक बात बताओ, अगर मेरे को परसेंटेज निकालना है तो मुझे ये मैनुअल प्रोसेस करना पड़ेगा डायरेक्ट? ऐसा कुछ नहीं है कि मैं क्लिक करूं और परसेंटेज निकला है किसी भी नहीं, उसका बल्कि एक्सेल के अंदर? परसेंटेज के लिए आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना सर, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, नहीं मैं वही जी हाँ तो लगाना पड़ेगा सर, ओके ठीक ठीक है। ये हो गया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि हम पेज के साथ कैलकुलेशंस कैसे करें, एक चीज मैं आपको समझा रहे थे, हम परसेंटेज की तरफ मूव हो गए। अब जब मैं आपको कैलकुलेशन समझाऊंगा तो इसको और डिटेल में समझा दूंगा, ठीक। ठीक अभी मान लीजिए कि मेरे पास जो है, ये तो चलो एक ही डेटा था, उससे हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी क्या हुआ कि मेरे पास अलग अलग है, मतलब कि ये मेरा सेल्स है, ये मेरा टारगेट है, कि हर दिन के लिए हर पर्सन के लिए टारगेट अलग है, समझ गए। तो अब मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है कि 86 को 70 से मल्टीप्लाई करना है, 19 को 15 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 86 को 17 से डिवाइड करना है, 19 को 55 से करना है, जैसे इन वन बाय वन इंडिविजुअल करना है। तो अगर कंटिन्यूअस है सीक्वेंस में, जो सीक्वेंस इसका है वही सीक्वेंस इसका भी है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, तो हम पूरे को कॉपी करके यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कि इसको सिलेक्ट करेंगे पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो ये इंडिविजुअली इंडिविजुअली हर किसी को डिवाइड करता चला जाएगा। अगर 70 इसको डिवाइड करेगा, 38 इसको डिवाइड करेगा, 53 इसको डिवाइड करेगा, 69 इसको डिवाइड करेगा, 13 को डिवाइड करेगा, इस तरह से इंडिविजुअली कोशिश करेगा, ठीक है। तो आप वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी भी कॉपी कर सकते हैं ना, एक सेल से कई सारे सेल्स पे और कई सारे सेल्स से कई सारे सेल्स पे भी आप कॉपी पेस्ट विथ ऑपरेशंस कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको और ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है। हिमानी जी, कोई डाउट तो नहीं आपको? नहीं, मेरी गुड एट इट, मीन आई एम गुड, ओके फाइन। ओके मैं सुजीत जी, आई जस्ट वांट, बोली क्या पूछ रहे सुजीत जी, मैं बीबीए में थोड़ा इंटरेस्टेड थी, थे? मैं क्लास के आप बाद, बीबीए भी? हाँ मैं क्लास के बाद इस पर डिस्कस करता हूँ, पहले भी आप ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। अब इसमें जैसे कि मेरे पास जो नेक्स्ट आता है, और नेक्स्ट आता है इसमें कि नंबर्स है। अब इस नंबर्स के आगे हमने कुछ फिगर्स डाले हुए हैं, जैसे 60 लिख दिया, 75 लिख दिया, तो क्या हुआ कि हमने कुछ फिगर्स को चेंज कर लिया, बाकी फिगर्स सही थे, कुछ फिगर्स गलत थे, तो उसको हमने चेंज कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमने इस पे डायरेक्ट चेंज ना करके इसके अगली कॉलम में लिख दिया, ताकि हम पूरा सही चेक करके फिर इसको अपडेट करें, ठीक है। अभी क्या है कि आप इसको, अगर मुझे इसको इसमें से कॉपी पेस्ट इसमें करना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिसमें नंबर है वही हो, ये ब्लैंक ओवरराइट ना हो, क्योंकि नॉर्मली हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो ब्लैंक ओवरराइट हो जाएगा ना, लेकिन जो फिगर सही है वो रहने ही चाहिए, जो चेंज हुए हैं उसी को कॉपी पेस्ट करना है। तो एक एक करके कॉपी पेस्ट करना या फिल्टर या बाकी चीजों भी कॉपी पेस्ट करने भी काफी ज्यादा लेंदी है, और सिक्योरिटी भी नहीं है कि आपकी वही फिगर चेंज होगी, उसके अलावा कोई और फिगर चेंज हो गई। तो इसके लिए आपको पेस्ट स्पेशल में एक है स्किप ब्लैंक, अब उसको कॉपी कीजिए और जहां पर पेस्ट करना है उसको पूरे सिलेक्ट करके पेस्ट स्पेशल में आपके पास होता है स्किप ब्लैंक। स्किप ब्लैंक क्या करता है कि उसी एरिया को कॉपी पेस्ट करता है जिस एरिया में डेटा है, इसकी इसमें 60 को ही पेस्ट करेगा, 75 को ही पेस्ट करेगा, क्योंकि इसमें फिगर है जो ब्लैंक फिगर है, जो ब्लैंक सेल्स है उसको पेस्ट नहीं करेगा, जिससे आपका जो फिगर है वो रिप्लेस ब्लैंक से नहीं होगा, ठीक है। तो स्किप ब्लैंक इसका इस्तेमाल हम करते हैं इसके लिए, ठीक है संजय जी। जी और नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांसपोज, आई थिंक ट्रांसपोज तो आप समझते ही होंगे, जानते ही होंगे,
ये मैं बता देता हूँ, ट्रांसपोज क्या करता है, जैसे डेटा को मान लीजिए आपने वर्टिकली लिख दिया, आपने डेटा को इस तरह से लिख दिया, लेकिन आपको इसको हॉरिजॉन्टली लिखना था, इस तरह से लिखना, तो इसको कॉपी कीजिए और राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे कीजिए ट्रांसपोज, ये आपको हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल एंड वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल कर देता है आपका ट्रांसपोज। तो इसका यूज वो चार्ट वगैरह में करते हैं, आगे जैसे चार्ट वगैरह सिखाऊंगा जिसमें मिस करता है कई यूज। अब दूसरा जो मेरे पास आता है वो आता है सेल लिंक, मतलब कि अगर हमने एक जगह पे कुछ लिखा हुआ है और मैं चाहता हूं कि दूसरा जगह उससे लिंक हो, जैसे मैं यहां चेंज करूं वो भी अपने आप चेंज हो जाए। मान लीजिए एच में मैं इसको लिंक करना चाहता हूं, तो मैं एच को इक्वल करके सिलेक्ट किया और इसका सेल एड्रेस को सिलेक्ट कर लिया, बी टू को क्लिक कर दिया या बी टू मैनुअल लिख दिया, इससे क्या हुआ कि बी टू की वैल्यू यहां पर लिंक हो गई कि जो यहां बी टू पे होगी वही यहां दिखेगी, नीचे ड्रैग कर दीजिएगा तो बाकी डेटा भी आ जाएगा। मतलब जैसे मान लो 85 को मैंने 60 करके एंटर मारा तो अपने आप 60 चेंज हो गया, एंटर मार तो यहाँ चेंज हुआ तो ये भी अपने आप को चेंज कर दिया। हाँ संजय जी क्या पूछ रहे थे? ये दोबारा बता रही, ये कैसे किया आपने सेल लिंक है ना, ये कैसे किया? हाँ, इक्वल किया और सिलेक्ट कर लिया, कुछ इसमें नहीं करना है, ठीक है? अच्छा बस ओके ओके, और ड्रैग कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक नीचे करेगा दिख जाएगा। या दूसरा तरीका है, कभी कभी प्रॉब्लम होती है लिंकिंग में, दूसरा तरीका है कि हम इसको कॉपी करके हम जहां करना चाहते हैं, जरूरी कि सेम सीट हो, अनदर सीट पे भी कर सकते हो आप पेस्ट स्पेशल के जरिए या फिर नॉर्मल इक्वल के जरिए भी पेस्ट एज ए लिंक, ठीक है आपको पेस्ट लिंक। तो ये सीट सिक्स से सीट सेवन लिंक हो गया, कि सीट सिक्स में जैसे चेंज करो 36 को मान लिया था 63 किया चेंज हो गया, तो सेम सीट अनदर फाइल सेम फाइल सब की इस तरह की चीजें यूज कर सकते हो, बट इसकी फॉर्मेटिंग नहीं होती है, फॉर्मेटिंग के लिए दोबारा पेस्ट ऐसे फॉर्मेट करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें इसको मतलब कि इतना बड़ा डेटा है, इस डेटा को मुझे छोटे से एरिया में दिखाना है, जैसे लोग डैशबोर्ड वगैरह यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, एक बड़े डेटा को एक छोटे से डेटा पे हमें शो करना है। तो इसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करके जहां करना है वहां पे राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल पे मार्क कीजिएगा, पेस्ट स्पेशली यहाँ पेस्ट के नीचे जो एरो निशान होता है उस पर क्लिक करिएगा ना, तो यहीं पे आपको दिखेगा पेस्ट एज ए पिक्चर, पेस्ट एज ए पिक्चर कर दीजिए तो ये आपका लिंक हो जाएगा, फिर पिक्चर इसकी पिक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर इसको अपने हिसाब से रिसाइज कर लीजिए। तो इसका फायदा क्या होता है कि मान लीजिए कि यहां पे जो वैल्यू लिखी जो उसको अगर पूरा कॉलम छोटा करोगे तो नीचे के भी चेंज हो जाएगी, हो सकता है नीचे कोई बड़ा वर्ड लिखा हो, बड़ा अमाउंट लिखा हो, तो डैशबोर्ड वगैरह पे इसकी क्राइसिस होती है कि बहुत सारे चीज को एक छोटे एरिया में दिखाना होता है, तो उस केस में हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इससे हमें जरूरत पड़ती है अपडेशन की, क्योंकि मान लीजिए कि मैं इसको अपडेट करता हूँ, उसका मैंने कलर चेंज कर दिया या फिर कोई वैल्यू चेंज कर दिया, तो प्रॉब्लम यह है कि ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये पिक्चर लिंक है, इससे इसका कोई लिंक नहीं है, सिर्फ पिक्चर है, पिक्चर लिंक नहीं है, तो इसलिए चेंज नहीं होगा। आप चाहते हैं कि भाई पिक्चर भी रहे और मेरा लिंक भी रहे, चेंज भी हो, तो उस केस में इसको हम कॉपी करेंगे और यहां पे पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक कर देंगे, ठीक है, पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक। अभी क्या हो गया कि इससे लिंक हो गया, कि यहां पे कलर फॉर्मेटिंग वैल्यू कुछ भी चेंज कीजिएगा, अपने आप को चेंज कर लेगा, ठीक है। तो सेम सीट अनदर फाइल कहीं भी इसको पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सौरभ जी कोई डाउट? तो बेसिकली ये जो पिक्चर का आपने बताया ये इसलिए यूज होता है कि जब हमको
डेटा पेस्ट करना है जहाँ कम एरिया में करना है, दैट्स द मेन यूज आप बता रहे हैं ना। हाँ, मतलब कि आपको मान लीजिए ना कोई रिपोर्ट, मान लीजिए आप डैशबोर्ड यूज कर रहे हैं या रिपोर्ट बना रहे हैं, छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो कि उसको एक छोटे से एरिया में दिखाना है आपको, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसी सीट पे दिखानी है आपको, तो उस केस में उसका इस्तेमाल करते हैं, समरी वगैरह चार्ट्स ठीक वगैरह उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब एक चीज और, हम डेटा कलेक्शन जानते हैं, जैसे कि मेरे पास कुछ डेटा है जो कि कई सीट्स पे है, नेम एंड सेल्स, मैं छोटा डेटा ही बना रहा हूं ताकि आपको इफेक्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो डेटा है पांच डिफरेंट डिफरेंट सीट पे डेटा है, तो क्या है कि अब मुझे क्या करना है कि एक छठे छठे सीट पे इसको एक एक करके कॉपी करना है। बोले सर, तो क्या करना जनरली है हम छठे लोग सीट पे? मतलब कि डेटा सीट पे सबको एक के नीचे एक कॉपी पेस्ट करना है, कुछ इस तरह से। इसको कॉपी किया आपने, फिर यहाँ पेस्ट करोगे, फिर दूसरे पे जाओगे, फिर दूसरे सीट को कॉपी करोगे, फिर इसके नीचे आओगे एंड पेस्ट करोगे। डेटा कलेक्शन नहीं समझते आप? जैसे डेट वाइज आपको डेटा है, आपको मंथ वाइज बनाना है, मतलब कि मंथली कैलकुलेट करना है ताकि आप समरी पिवट वगैरह लगा सके। तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम क्या होता है कि हर बार आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ जाता है, हर बार आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ जाता है, तो ये काफी ज्यादा लंदी होता। हो सकता है कि एक डेटा दो बार कॉपी पेस्ट हो जाए या कोई छूट जाए, कॉपी पेस्ट ही ना हो, और हर बार कॉपी करना पेस्ट करना, कॉपी करना पेस्ट करना। तो इसे कई सारे इजी है, लेकिन एक और इजी तरीका है जो मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि आपको यहाँ क्लिप बोर्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा। क्लिप बोर्ड जी जो एरो निशान है, इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करते ही आपको साइड में एक विंडो खुल के आएगी। ये पता नहीं क्यों नहीं खुल रही है, एक मिनट, मैं फाइल को सेव करता हूँ। मेरे पास एक्सेल के तीन वर्जन इंस्टॉल है, कभी कभी प्रॉब्लम कर देता है। तो मैंने क्लिपबोर्ड को ऑन किया, ठीक है। क्लिपबोर्ड को ऑन करने के बाद मुझे कुछ नहीं करना है, बस कॉपी करते चला जाना है। कॉपी, जैसे जैसे कॉपी करूंगा यहाँ लिस्ट ऐड होते जाएगा, यहाँ पे दिखेगा 1 of 24। ऐसे इसको कॉपी किया, अगेन कॉपी किया, तो सिलेक्शन करना है एंड कॉपी करना है। फिर कॉपी करके एक एक करके जो आप पेस्ट करते हैं या नीचे जाते हैं, वो टाइम आपका बच जाता है। और आप चेक कर सकते हो कि आपने कितना कॉपी कर दिया है, कोई डुप्लीकेशन या कोई कम और ज्यादा हो तो आप यहीं से इसको चेंज कर सकते हैं, तो यहां से डिलीट कर सकते हैं या फिर दोबारा पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जहां पेस्ट करना है वहां पर कर्सर लेके जाइए और पेस्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिए, और एक ही बार में सारा एक के नीचे पेस्ट कर देगा। तो सिर्फ एक्सेल भी नहीं, जैसे इंटरनेट से कोई डेटा कॉपी पेस्ट करना चाहते हो या किसी पीडीएफ से कॉपी पेस्ट करना चाहते हो, तो आप क्लिपबोर्ड ऑन कर लो, जस्ट कॉपी करते चले जाओ, जब सारा कॉपी हो जाए तो पेस्ट कर लेना एक बार, ठीक है। सौरभ जी समझ में आया? जी हाँ तो ये क्लिप बोर्ड का आज का टॉपिक था जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया। आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं, कल
कल की टॉपिक हमारी फॉर्मेटिंग से होगी, और फॉर्मेटिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम अपने रिपोर्ट्स में सबसे ज्यादा फॉर्मेटिंग का ही इस्तेमाल करते हैं। तो कल से कुछ क्लासेस जो है, अगले 2-3 क्लासेस सिर्फ फॉर्मेटिंग की क्लासेस चलेगी। तो आप लोग पेस्ट स्पेशल्स पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई डाउट्स होगा, अगर छोटी मोटी डाउट्स होगा तो मुझे मुझसे फोन करके पूछ लीजिएगा। अगर कोई बड़ा डाउट्स होगा तो आप कल की नोट कर लीजिएगा डायरी में, कल की क्लास में मुझसे डिस्कस कर। ठीक है सुजीत जी, रिकॉर्डिंग्स मैं अभी अपलोड करके आपको भेज देता हूँ, थोड़ी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी। और हिमानी जी मैं आपको फोन करता हूँ बाकी डिटेल्स के लिए।